नीट यूजी गड़बड़ी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अहम बैठक की है। नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। बैठक में पेपर लीक की खबर से लेकर ग्रेस मार्क्स और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का टॉप करना आदि शामिल रहे। प्रेस वार्ता के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनटीए निदेशक ने कहा कि अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो हम इसका आयोजन करेंगे। दरअसल नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कई आरोप लगा रहे हैं। कई मामलों में नीट रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, जिसमें पेपर लीक की आशंका, पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स का टॉप करना, बिना नोटिफिकेशन ग्रेस मार्क्स देना, मार्क्स और रैंक में गड़बड़ी शामिल है। हालांकि एनटीए ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इनके पीछे की वजह बताई है, लेकिन स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स उससे संतुष्ट नहीं है। नीट मुद्दे पर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि हमारी कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने केंद्रों और सीसीटीवी के सभी डिटेल्स देखी हैं। उन्हें पता चला कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर समय की बर्बादी हुई और छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। समिति ने सोचा कि वो शिकायतों का समाधान कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए।